चैनल प्रिया स्टाइल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया है। और आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। बहुत सारे औरतों को यही प्रॉब्लम है और मेरी तरह ही ये प्रॉब्लम वो हर रोज़ अपने ज़िंदगी में जो है फेस करते हैं। तो आज आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। आज मैं आप लोगों को फेशियल हेयर रिमूव करने का तरीका जो रेज़र के साथ किया जाता है वो सही है कि नहीं, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि फेशियल हेयर रिमूव करना वो भी रेज़र के साथ, ये क्या सही तरीका है, ये क्या हेल्पफुल होता है, क्या इससे नुकसान होता है कोई? तो सबसे पहले गाइज मैं बताना चाहूँगी, ये बिल्कुल और बिल्कुल सेफ तरीका है, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करोगे एक बार तो आपको खुद पता चलेगा कि ये कितना यूज़फुल है। और ये चीज़ मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है और करती हूँ अपने पर्सनल लाइफ में, क्योंकि मुझे PCOD का प्रॉब्लम है। और PCOD में ये होता है कि अनवांटेड जो हेयर्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्रॉब्लम सालों से है इस चीज़ का कि मेरे पूरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा, इस हिस्से में बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं मेरे, जिसकी वजह से मेरा पूरा फेस जो है काला काला दिखने लगता है। अभी कुछ महीने पहले भी मेरे फेस पे इतने ज़्यादा बाल हो गए थे कि मैं सोच रही थी कि मैं इसके साथ क्या करूँ। मैं बहुत डिप्रेशन में चली जा रही थी। देख, जब मैं खुद अपने आप को, अपने चेहरे को आईने में देखती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था यार कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें और ट्राई भी किया है साथ में, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैंने ट्राई नहीं किया है। मैंने 600-700 रुपये का इतना सा एक ट्यूब आता है वो क्रीम भी मैंने लगाया था। मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने जो सजेस्ट किया मैंने वो सारी महंगी महंगी दवाइयाँ लगाई, ऑइंटमेंट लगाए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं होता गाइज, कुछ नहीं होता। जो चुटकियों में ये काम करके देगा आपको, वो कोई दवा, महंगी से महंगी दवा आपको नहीं दे सकती। हाँ, होम रेमेडीज ज़रूर काम करती है, लेकिन वो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि होम रेमेडीज़ जो है आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरल तरीके से चीज़ों को ठीक करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त वो ज़रूर लेता है। और अगर उतना पेशेंस आपके अंदर है तो वेल एंड गुड, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फटाफट रिजल्ट चाहिए और आपको कहीं जाना है, आना है, आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा हेयर्स है जो कि होम रेमेडीज से भी सालों में जाएगा, तो अगर आपको फटाफट वाला रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। मैंने इसको समथिंग 100 रुपीज़ के अंदर मंगाया था, एक ही रेज़र है इसमें, और 8 महीने से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। महीने में 2 बार मैं फेशियल रिमूव करती हूँ अपना, कभी 1 बार करती हूँ, कभी 2 बार, जैसा मुझे ज़रूरत पड़ता है। और इसके अंदर ऐसा ही पैकेजिंग आता है, ये रेज़र आती है पैकेट के अंदर, एक सिंगल ऐसा ही रेज़र आएगा। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है, जो इसका हैंडल है प्लास्टिक का बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रांग है और गिरेगा तो भी नहीं टूटेगा। और उसके ऊपर जो ये ब्लेड है, ब्लेड के ऊपर ऐसा कैप दिया हुआ रहता है, आप आराम से इसको कहीं भी अपने पर्स में रख के, अपने साथ कहीं भी अपने ट्रैवल किट पे रख के लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सिक्योर तरीके से ये लॉक रहता है, ये खुलेगा नहीं। और इसको ओपन करने के बाद आपको ऐसा एक ब्लेड रहता है, वो ब्लेड भी जिगजैग ब्लेड बोलते हैं इसको, ऐसा ब्लेड रहता है जिससे कि कट होने का चांसेस बहुत कम होता है। इसको यूज़ करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा आपको टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी किसी चीज़ ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, मैं जो जो बोलने वाली हूँ उस पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में बिठा के रखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में दे दूंगी, ताकि आप लोगों को कोई मन में सवाल ना रहे, आपको बार बार भटकना ना पड़े इधर उधर, एक ही वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे दूंगी। सबसे पहला, इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आपके जितने भी सारे फेशियल हेयर है ये बहुत अच्छी तरीके से, सिक्योर तरीके से रिमूव कर देता है, और बिल्कुल से चेहरे के ऊपर जो भी परत चढ़ा हुआ होता है डेड स्किन सेल्स का, वो भी साथ ही साथ ही रिमूव कर देता है। बिल्कुल चेहरा जो है क्लीन हो जाता है। मेरे फेस पे अभी कुछ नहीं लगा है, मैं आगे वीडियो में आप लोग देखेंगे, मैंने डेमो दिया हुआ है, लाइव दिखाया है, मेरे फेस पे अभी कुछ नहीं लगा, कोई क्रीम नहीं, कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है मेरा चेहरा, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ लगाया हुआ है चेहरे पे, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। और इसके बाद इसका जो और फायदे है, ये जो है आपके जो अनवांटेड हेयर्स है इसके जो ग्रोथ है ना, इसको भी कम करता है। अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे, मैंने खुद देखा है ये चीज़, अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे तो आपके जो फेशियल हेयर का ग्रोथ है अपने आप कम होता जाएगा। बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी होती है कि अगर हम लोग रेज़र यूज़ करेंगे फेस पर तो हेयर जो है मोटा आएगा, थिक आएगा, चुभेगी, अजीब दिखेगा, दाढ़ी जैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज, बिल्कुल मीथ है ये। मैंने अभी
लास्ट टाइम इसको यूज़ करके मुझे एक महीने के ऊपर हो गया, क्योंकि मेरे पास टाइम आपको पता है क्यों नहीं मिलता मुझे, मुझे टाइम नहीं मिला था बिल्कुल इसको यूज़ करने का। और ऊपर से इसको बिना यूज़ किए आप मेरे चेहरे को रोज़ देखते हैं, मेरे वीडियोज़ में देखते हैं, मेरे लाइव सेशन में देखते हैं, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी आ गई है, मेरे चेहरे पर मूछें आ गए? ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। मैं बिल्कुल से आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आपको फेशियल हेयर रिमूव करना करना है और आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपको पब्लिक प्लेस में जाने से थोड़ा सा अनइजीनेस होता है, आपके फेशियल हेयर्स की वजह से थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आती है, तो आज ही से आप इसको यूज़ करना शुरू कीजिए। महीने में दो बार करेंगे तो ही बस है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ज़्यादा ग्रोथ में ये निकलता नहीं है, पहले एक दो बार तीन बार तक आपको करना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि इतना ज़्यादा आपको ग्रोथ भी नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, होम रेमेडी भी ट्राई करते रहिए, साथ ही साथ इसको भी ट्राई कीजिए, मैं बिल्कुल 100% आपको रिकमेंड करूँगी। और ये जो प्रोडक्ट है, ये ब्रांड का अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, अगर आप दूसरे कंपनी का लेना चाहते हो दूसरे का भी ले सकते हैं, काफ़ी सारे और ब्रांड्स हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं, लोकल मार्केट से चाहे तो लोकल मार्केट से ले सकते हैं, जैसे चाहे आप इसको परचेज कर सकते हैं। और एक सेट और आता है, एक ब्रांड का आता है जिसमें तीन ब्लेड्स होते हैं ऐसे, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, मैंने लिया हुआ है और ये बस आपका 4-5 बार चल जाएगा, एक सेट में तीन आते हैं, उसका प्राइस थोड़ा कम रहता है, इसका जो प्राइस है थोड़ा कम रहता है, मैंने यूज़ किया हुआ है और ये जो है बहुत ही बढ़िया है, ये आप मेरा 8 महीने से चल रहा है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरे पर्सनल पैसों से ख़रीदा हुआ चीज़ है और मैं आप लोगों को रिव्यू दे रही हूँ ऑनेस्टली। और तो गाइज मुझे लगता है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। मैंने थ्रेडिंग नहीं किया, मैंने आईब्रो के ऊपर इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसे आईब्रो करो, जब तक आपका हाथ सेट नहीं होता है तब तक आप इसको बिल्कुल भी आईब्रोज के पास लेके बिल्कुल मत जाइएगा, बाकी जहाँ पे आपके फेशियल हेयर है वहाँ इसको यूज़ कीजिए, आईब्रोज के पास बिल्कुल मत ले जाइए, क्योंकि अगर आपका हाथ थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो आईब्रो कट के बाहर, तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा, आप समझ सकते हैं मैं क्यों मना कर रही हूँ, बाकी पूरे फेस पर आप यूज़ कीजिए। मैं मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना था, मैंने दे दिया, अभी आगे वीडियो में आप देखिए कि इसको कैसे यूज़ करना है, उसके बाद सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है पूरे वीडियो में लास्ट तक, तो पूरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को कोई भी मन में कोई सवाल रह जाए, तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। तो गाइज मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी कि अगर आप लोगों को घर में ही फेशियल हेयर रिमूव करना है तो कैसे करना है, रेज़र के साथ, ये बिल्कुल ही सिक्योर तरीके से आप आराम से घर पे कर सकते हैं, कोई इसमें टेंशन लेने वाली डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं काफ़ी समय से करती आ रही हूँ, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या करना है। सबसे पहले आपको फेस को अपने अच्छे से क्लीन कर लेना है, मेरा फेस जो है क्लीन है और इस पर मैं अभी लगाऊँगी एलोवेरा जेल, तो मैं अभी पतंजलि का सौंदर्य जो एलोवेरा जेल है वो लगा ले रही हूँ। मेरा जो हेयर ग्रोथ है फेस पर बहुत ज़्यादा है, इस पोर्शन में कुछ ज़्यादा ही हेयर ग्रोथ है मेरा, और पहले मैं अभी हाफ फेस पे आप लोगों को करके दिखाऊंगी कि फ़र्क कितना आता है, और मैं इस रेज़र के साथ किस तरीके से अपने घर पे ही बैठ के फेस को अच्छी तरीके से चमकदार और क्लीन बना सकती हूँ, अभी आप लोग फ़र्क देखेंगे थोड़े ही देर में, और पूरे फेस का आप हेयर रिमूव कर सकते हैं आराम से, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अच्छे से आपको लगा लेना है एलोवेरा जेल और उसके बाद आपको यूज़ करना है रेज़र। ये जो है ये रेज़र मैं अभी यूज़ करूँगी, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो सबसे पहले जहाँ पर आपका फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा है उस जगह पर आपको जेल लगा लेना है, और उसके बाद उस हिस्से को ऐसे आपको पकड़ के देखिएगा, इस देख सकते हैं आप लोग ऐसे लो डायरेक्शन पे रेजर को आपको ऐसे पकड़ना है जैसे मैंने पकड़ा है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हेयर ग्रोथ है मेरा और कितने आसानी से ये क्लीन हो गया, ये देखिए। ये देखिए देखिए गाइस,
आप दोनों तरफ का फर्क जो है अच्छे से देख सकते हैं। बस थोड़ा सा केयरफुल रहिए, जब आप आईब्रो के सामने यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो आईब्रो कट के बाहर आ सकती है, तो वो चीज़ ना हो। दूसरी तरफ भी सेम मेथड से मैं उसी डायरेक्शन से देखिए गाइस, और ये रेज़र की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि एक रेज़र आपका कम से कम 6 से 8 महीने चल जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ बहुत अच्छे से कर लिया है। मैंने आईब्रोज़ को छोड़ दिया है, इसलिए छोड़ दिया कि मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को आईब्रोज़ करना दिखाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत हाथ सेट होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो आईब्रो ख़राब हो सकती है आपकी, और मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग आईब्रो करें जब तक आपका हाथ सेट ना हो जाए इस रेज़र के साथ। तो बाकी का फेशियल हेयर जो है आप अच्छे से रिमूव कर सकते हो। मैं भी आप लोगों के टिशू के सहारे ये जो है साफ़ करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है फेस पर, सिर्फ मैंने जो है हेयर रिमूव किया है अपना फेशियल हेयर, और ये जो शाइन और चमक क्लियरिटी आप देख रहे हैं फेस पर, ये इसी की वजह से है। फेस जो है एकदम ऐसा लगेगा आपको कि अभी अभी आप पार्लर कर से आए हो फेशियल वगैरह करवा के, और बाकी या फिर कोई महंगा ट्रीटमेंट लेके आए हो। इतना ज़्यादा क्लीन हो जाता है, इतना अच्छे से क्लीन हो जाता है फेस। मेरे यहाँ पे थोड़े से पिंपल्स हो रखे हैं, मैंने इसके ऊपर भी रेज़र चला दिया, ये मेरी गलती है, आप लोग ये मत कीजिएगा। अगर चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, दाने हैं, तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, ये मत कीजिएगा, क्योंकि उससे कट होगा, कट लग जाएगी आपको, और वो जो है इन्फेक्शन हो सकता है। फेस क्लीन हो तो ही आप इसको यूज़ कीजिए। और देखिए गाइस, अभी मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया हुआ है, आपके सामने मैं बैठी हूँ, बिल्कुल आपको एक वेट टिश्यू के साथ अपने चेहरे को बिल्कुल से क्लीन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। बताइए, तो आप लोगों को भी ये फ़र्क दिखा होगा, और मैं आप लोगों को नज़दीक से एक बार दिखाना चाहूँगी जूम करके, कि आप देख सकते हैं मेरे इधर के जितने भी हेयर थे वो चले गए हैं, और कितना क्लीन हो गया है ये जगह, ये हिस्सा, और पूरा फेस मेरे जहाँ पे मैंने नहीं किया आईब्रो, मुझे बाहर जाके करवाना है, तो उस जगह पे आप देख सकते हैं कितने हेयर्स दिख रहे हैं आप लोगों को छोटे छोटे, और बाकी पूरे फेस पे आपको कहीं भी हेयर्स नहीं दिखेंगे। तो यही होता है इसका फ़ायदा, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अमेज़ॉन में आपको मिल जाएगा, आप अपने लोकल मार्केट में भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपको आराम से मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे ऐसे ही अच्छे अच्छे यूज़फुल वीडियोज़ मैं लाती हूँ हर रोज़, मुझसे जुड़े रहिए। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।